हम मैडम का ढोरी देख लिए थे, इसीलिए मैडम से प्यार हो गया। अरे तुमको हमारा ढोरी देखने को कौन बोला? रुकिए, इसमें मेरा बेटा का कोई गलती नहीं है। ये ढोरी चक 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 वाला सिस्टम देख लिया था, इसीलिए आपसे प्यार हो गया। आप स्कूल से नाम काट के नहीं भगा सकते हैं। आप पूछो कर लीजिए, आपके बेटा को इस स्कूल में पढ़ने नहीं दे सकते हैं। काहे नहीं पढ़ने दे सकते हैं? कहे कि अगर टोकरी का एक आम सड़ जाए तो उसे निकाल करके फेंक देना चाहिए, नहीं तो साथ में जो भी आम रहेगा सब सड़ जाएगा, इसलिए आपके बेटा को स्कूल से निकालना ही होगा। हे सर जी, बेटा का भविष्य खराब हो जाएगा। बेटा मैडम से माफी मांग लो। सॉरी मैडम। मैडम जी हमको माफ कर दीजिए, गलती मेरा नहीं है, फिर भी हमको माफ कर दीजिए। गलती मेरा नहीं है क्योंकि आप बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर है इसलिए मेरा मन डोल गया, मेरा मन डोल गया इसलिए हम आपको पटाने का कोशिश की। आप सुंदर नहीं रहते तो हम आपको पटाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा आपका भी गलती है। लेकिन आप सॉरी नहीं बोलिए, क्योंकि एक सुंदर स्त्री के मुंह से हम सॉरी नहीं सुनना चाहते, सिर्फ आई लव यू सुनना चाहते। आपका गलती रहने पर भी हम आपको सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी मैडम जी, सॉरी, हमको माफ कर दीजिए। देखे मेरा बेटा कितना बड़का सॉरी बोला। आप तो मैडम जी माफ कर दीजिए। ए मास्टर साहब कि देखिए कितना बड़का सॉरी बोला, आप माफ कर दीजिए, किसी तरह रखिए हम चलते हैं। देख क्या रहा है, जाकर पढ़ाई करो, अगर इस मैडम पर लाइन मत मारना नहीं तो टांग तोड़ देंगे। थैंक यू सर। क्या निकल गए नहीं रोपनी, गए थे मैडम को पटाने के लिए, मैडम तो पटी नहीं, हेड मास्टर से मारे खा लिए। कहीं CBSE बोर्ड तो कहीं बिहार बोर्ड, कहीं CBSE बोर्ड तो कहीं बिहार बोर्ड है। जिस स्कूल में मैं पढ़ने गया उसी स्कूल की मैडम को पटा लिया, यह रियल रोशन का रिकॉर्ड है। अरे साला तू कहीं सुधरने वाला नहीं है। चुपचाप पढ़ो ठीक है। लगा के लिपस्टिक थोड़े थोड़े, अरे लगा के लिपस्टिक थोड़े थोड़े, कहे मारे लू मैडम भोरे भोरे। तू नहीं सुधरेगा, इतना मारते तो नहीं सुधरता है, खाली गाना गाने आता है। रुको तुमसे सवाल करती हूँ। खड़ा हो, ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ। मैडम जी पढ़ने नहीं होता है। पढ़ने के लिए नहीं होता है? आखिर कब पढ़ने के लिए होगा? अरे जब जब कहबू तब होई, लव कहला सब होई। मतलब तुमसे हम लव करेंगे तब तू पढ़ाई करेगा? आखिर क्यों क्यों तुम हमको पटाना चाह रहा है? मैडम जी हम आपको पटा के आपसे ब्याह इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम पढ़ने में बहुत भूसकोल हैं। अगर आप हमसे ब्याह कर लीजिएगा ना तो आप हमको रात रात भर एक्स्ट्रा क्लास दीजिएगा और हमको इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना दीजिएगा, इसीलिए हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं। तो अपने टीचर से ब्याह करने का सोच रहा है, कितना बिगड़ गया है रे तू। उहे तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम कितना बिगड़ गए हैं। आप टीचर बन के हमको तो सुधार नहीं पाए, इसीलिए कह रहे हैं आप हमसे ब्याह करके हमको अपन पति बना लीजिए। कहे कि एगो पत्नी ही अपन पति को सुधार सकती है, समझे कि नहीं? आप पत्नी बनिए, हमको खूब मारिए, खूब सुधारिए। तुमसे तो मैं अब बात ही नहीं करूंगी। देखो तू जैसे मैडम को पटा रहा है वैसे मैडम नहीं पटेगी। कब कैसे पटेगी? आंख में काला चश्मा लगाना पड़ेगा,
हीरो के स्टाइल में जाना होगा तब मैडम पटेगी। उसके बाद गुलाब के फूल देना पड़ेगा और मैडम को आई लव यू बोलना पड़ेगा तब पटेगी। छोरी पटाने के लिए छपरी बनना पड़ता है तब छोरी पटता है। देखो इधर लड़की पटाने के लिए गाना भी गाना पड़ता है, उससे लड़की लोग इम्प्रेस होती है। एक मिनट, इस सब चीज जितना बोला ना सब बर्बाद हो जाएगा अगर तुम एगो शायरी नहीं बोलेगा। ई पकड़ो शायरी। देखो भाई, गर्मी में जितना पंखा जरूरी होता है लड़की पटाने के लिए उतना बाइक भी जरूरी होता है। हाँ, ये लो बाइक, सवार हो। गुलाब को फूल लेके जा रहा है, आई लव यू बोल देना। आई लव यू बाइक में तो तेल नहीं है। अगर इतना ज्ञान तुम लोग देवे किया तो तेल का पैसा दे दो। देखो तो तेल का टेंशन तुम मत लो। आगे मैडम है, मैडम में फोकस करो, मैडम फोकस करो। तेल का क्या है, आज ना मिल जाएगा। करना पड़ता है पकाने के लिए। हां थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा तब मिलेगी मैडम। जाओ बैठा, जाओ जाओ, ओनली फोकस मैडम। अच्छे से जाना दो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। Thank you.